सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में जो हमारा विषय है वह हमारा संधि, जो हमारे दोनों ही टेट में आया हुआ टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। संधि को समझने से पहले आपका एक विषय आता है वर्ण संयोग और संधि। आपके इन दोनों में ही आपके वर्णों का जोड़ होता है। इसमें आप अपने वर्ण संयोग और संधि में क्या अंतर होता है उसको आप समझेंगे। यह वाला टॉपिक मेरे पास जो एक अन्य बुक थी संस्कृत की उसमें मिला है, तो आप इसको इस बुक से ही समझ लीजिए। यह आपका है वर्ण संयोग संधि च, वर्ण संयोग और संधि। इसमें आपको पहले वर्ण संयोग के बारे में समझाएंगे कि वर्ण संयोग क्या होता है और आपकी संधि क्या होती है, वह भी इसमें बताएंगे। और इन दोनों में क्या अंतर है इस वीडियो में आपको वही समझना है, क्योंकि आप यदि वर्ण संयोग और संधि को नहीं समझेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और आप अपनी संधियों को और वर्ण संयोग को एक ही मान सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर भी हम जानेंगे, उससे पहले आप अपने वर्ण संयोग को समझ लीजिए। निम्नलिखित पदानि पश्यन्तु, यहाँ पर जो आपके निम्नलिखित पद हैं इनको आपको देखने के लिए इन्होंने कहा है। यह जो आपका वर्ण संयोग और संधि वाला भाग है यह आपका संस्कृत में है। यदि आपको इतनी संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरे शब्दों पर ध्यान करके भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला शब्द है पंडितानुपाश्रयति, यह आपका शब्द है। इसका इन्होंने यहाँ पर अलग विच्छेद किया है, पंडितान प्लस उपार्षति। उपार्षति में आपका जो उ आया है वह आपके ना व्यंजन को पूर्ण करके इस रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपका अगला शब्द है नलिनी दलमिव, इस वाले शब्द का इन्होंने वर्ण विच्छेद किया है, नलिनी दलम इव। यह जो आपका ई स्वर है वह आपके व्यंजन को पूर्ण करके यहाँ पर इस रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार है आपका करोत्येव, इसका जो आपका शब्द विच्छेद इन्होंने वर्ण विच्छेद के रूप में किया है, करोति प्लस एव, अद्येव अद प्लस एव, यथेष्टम यथा प्लस एष्टम। इसमें आपको यहाँ पर इन्होंने शब्दों के आपके विच्छेद करके दिखाए हैं। अत्र वयम पश्यामः, यहाँ हम देखते हैं, ना प्लस उ बराबर नु, यह इन्होंने जो आपका पहला शब्द है इसको इन्होंने यहाँ पर समझाया है। ई प्लस ए बराबर ये, आ प्लस ई बराबर ए, मा प्लस ई बराबर मी, आ प्लस ए बराबर आय। आयम वर्ण संयोग अथवा संधि अस्ति, इन शब्दों में आपके वर्ण संयोग और संधि के दोनों ही मिश्रित शब्द हैं। अब आप इनको अलग अलग समझ लीजिए। अधुना वयम पठिष्यामः यत् वर्णसंयोगस्य अथवा संधे का अभिप्राय। वयम हम सभी पठिष्यामः पढ़ेंगे अधुना अब, यत् कि अब हम सभी पढ़ेंगे कि वर्णसंयोग का अथवा संधि का क्या अभिप्राय है या उनको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, वह इन्होंने यहाँ पर समझाया है। सबसे पहले आपका वर्ण संयोग आपका किस प्रकार होता है उसको आप समझ लीजिए। यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन किंचित अपि परिवर्तनम न भवति तदा संयोगः भवति, यथा जैसे। यदा का अर्थ होता है जब द्वयो वर्णयो, दो वर्ण मेलनेन मिलन से, किंचित अपि कोई भी परिवर्तनम न भवति, परिवर्तन नहीं होता, तदा का अर्थ होता है तब, संयोगः भवति संयोग होता है। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि जब आपके दो वर्णों के मेल से कोई भी परिवर्तन नहीं होता तब वहां पर आपका संयोग होता है, यथा इन्होंने यहाँ पर जैसे समझाया है। अहम अपि, यहाँ पर आपका अहम प्लस अपि, इस प्रकार यह आपका शब्द है। अत्र का अर्थ है आपका यहाँ पर, जो आपके ये शब्द इन्होंने समझाए हैं। यहाँ पर आपका माँ प्लस अ, इन दोनों में आपका जो मेल हो रहा है वर्णों का वह माँ प्लस आ का मेल हो रहा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि आपका माँ आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, केवल आपका आ स्वर मिलने से केवल माँ का हलंत ही हटा है, उससे अलग उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।
तो यहां पर आपका वर्ण या संयोग अस्ति, कि वर्णों में आपका केवल संयोग है। मरणमस्तु, मरणमस्तु को इन्होंने यहां पर आपको समझाया है, मरणम में आपका मा और इसमें जो आपका प्लस अस्तु है उसका आ, अत्र यहाँ पर आपका मा प्लस आ का केवल वर्ण संयोग हुआ है, कोई भी यहाँ पर संधि का नियम नहीं हुआ या कोई भी इसमें परिवर्तन अभी नहीं आया है। त्वमेव, त्वम प्लस एव, यहाँ पर भी आपका मा प्लस ए का आपका वर्ण संयोग हुआ है क्योंकि इसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। किम अहम, किम अहम में आपका किम प्लस अहम, अत्र, अत्र से आपका यहाँ पर जो उन्होंने दिखाया है या समझाया है वह आपका है मा प्लस आ, वर्ण्यो संयोग अस्ति, यहाँ पर भी आपका वर्ण का संयोग है। अवश्यमेव, अवश्यमेव को इन्होंने अवश्यम प्लस एव इस रूप में लिखा है, अत्र का अर्थ है आपका यहाँ पर मा प्लस ए जो आपके वर्ण आए हैं उनमें आपका वर्ण संयोग अस्ति, वर्ण का संयोग हुआ है, कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब तक आपके वर्णों के मेल से कोई भी परिवर्तित रूप आपको दिखाई नहीं देता तो वहां पर आपका केवल वर्ण संयोग ही होता है। अत्र वयम आपश्याम, अत्र माने यहाँ, वयम माने हमने, हम आपश्याम सबने अभी जो देखा। आपके वर्ण संयोग के उन्होंने यहाँ पर उदाहरण समझाए हैं उसमें हमने देखा है मा इति वर्णे, मा हलंत वाला आपका प्लस आ वर्ण्यो मेलनम आभवत, कि आपका जो आपका मा वर्ण है वह आपके केवल मकार हलंत वाले से और आ वर्ण के मेल से हुआ है, अतः मा इति वर्णे हलंत्य मा अपि अस्ति आ अपि अस्ति, जो आपका मा वर्ण है उसमें आपका हलंत्य मकार और आपका आ वर्ण है। एवमेव उपरि लिखितेषु, इसी प्रकार ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, अहमपि मरणमस्तु त्वमेव किम अहम अवश्यमेव एतेषु पदेषु द्वयो वर्ण्यो मेलनम तु आभवत् किंतु किंचित् अपि परिवर्तनम न आभवत् अतः एतेषु संयोगः अस्ति। यहाँ पर जो आपके शब्द इन्होंने दिए हुए हैं इन शब्दों में दो वर्णों का मेल तो हुआ है किंतु कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह आपका केवल वर्णों का संयोग है। अभी इन्होंने जो आपको उदाहरण समझाए हैं वह आपके केवल वर्ण मेल थे, उनको हम संधि नहीं कह सकते। अब आप अपनी संधि के बारे में जान लीजिए, यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति यथा जैसे, यदा, यदा का अर्थ होता है जब, द्वयो वर्णयो दो वर्णों में मेलनेन परिवर्तनम मेल होने से परिवर्तन भवति परिवर्तन होता है, तदा, तदा माने तब, संधि भवति संधि होती है, जब आपके दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तब ही आपकी संधि होती है वरना आपका वर्ण संयोग होता है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है आप इसको देखकर समझ लीजिए, अध्य अहम, तो यहाँ पर इन्होंने अध्य प्लस अहम को इस रूप में दिखाया है, यहाँ पर आपका आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। यहाँ आपको अपने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले पूर्व सद का आपका अंतिम जो आपका वर्ण होगा और जो आपका बाद वाला शब्द है उसका पूर्व वाला जो वर्ण होगा, उन दोनों के मेल से आपके रूप में परिवर्तन आया हुआ है। अब से पहले जो आपने अपना वर्ण संयोग देखा था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था, तो आपके दोनों आ मिलकर आपके आ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रविंद्र, रविंद्र में आपका यहाँ पर रवि प्लस इंद्र इन्होंने विच्छेद किया है और यहाँ पर आपका इन्होंने उदाहरण में समझाया है ई प्लस ई बराबर ई हो जाता है। रमेश, रमेश में आपका रमा प्लस ईस आ प्लस ई बराबर ए, यह आपका इन्होंने परिवर्तन दिखाया है। सूर्योदय, सूर्योदय भी आपका ऐसा ही है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य के आपका जो अंतिम वर्ण है आ और जो आपका उदय का पूर्व वर्ण है पहले वाला वर्ण है उसका उ, दोनों मिलकर आपके ओ रूप में आ जाते हैं। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव में भी आपका इसी प्रकार आ प्लस ए का इन्होंने ऐ रूप दिखाया है। इत्याद्य, इति प्लस आद्य, यहाँ पर आपका जो पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण
और जो आपका बाद वाला शब्द है उसका पूर्व वाला वर्ण लेकर इन्होंने यहाँ पर आपका रूप परिवर्तन दिखाया है कि ई प्लस आ आपका या हो जाता है। इस प्रकार आप अपनी संधि को समझ लीजिए। अत्र वयम आपश्याम, अत्र माने यहाँ, वयम माने हमने, आपश्याम देखा। यह जो आपको अभी इन्होंने संधि के बारे में समझाया है, यहाँ इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमने देखा भी, आ प्लस आ आपका आ रूप बन के आपका जो शब्द बनता है अद्याहम, इस रूप में बनता है। आ प्लस ई बराबर आपका ए, जो आपका रमा प्लस ईस है वह आपका रमेश के रूप में अपने रूप परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देता है। आ प्लस ए बराबर आपका आई, जो आपका सदा प्लस ए वाला शब्द है वह आपका इस रूप में संधि होने के बाद दिखाई देता है, सदैव। ई प्लस ई आपका ई हो जाता है, रवि प्लस इंद्र में आपका रविंद्र इस रूप में आपको दिखाई देता है। आ प्लस उ बराबर आपका ओ, इस रूप में आपका यहाँ पर दिखाई देता है, सूर्य प्लस उदय में सूर्योदय आपका शब्द बनता है। ई प्लस आ बराबर या, इति प्लस आद्य यह आपका इस रूप में दिखाई देता है, इत्याद्य। इत्याद्य जो आपका रूप बना है वह आपका है, जो आपका अंतिम इकार है वह आपका या का रूप ले लेता है, और जो आपका आ स्वर है वह अपनी मात्रा के साथ आपके या में दिखाई देता है। इकार का यकार होने से आपका जो ता व्यंजन है वह आपका हलंत्य हो जाता है, तो हलंत्य आपका यहाँ पर आधे रूप में दिखाई दे रहा है, आभवत हुए। इस प्रकार आपके यह संधि इन्होंने दिखाई है। इससे पहले हम आपके वर्ण संयोग समझ चुके हैं और यह आपकी इन्होंने यहाँ पर संधि दिखाई है। इन दोनों को समझने के बाद आप अपने वर्ण संयोग और संधि में अंतर भी समझ चुके हैं कि जब तक आपके वर्णों के मेल से कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वह आपका वर्ण संयोग कहलाता है, और जब आपके वर्णों के मेल से कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है तो वह आपकी संधि कहलाती है। ए भी उदाहरणई अस्माभि ज्ञातम यत अत्र द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनं भवति, अतः एतेषु संधि अस्ति। यह भी हम उदाहरण से जान चुके हैं कि यहाँ पर दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः ये आपकी संधियाँ हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे कि हम अपने वर्ण संयोग और जो आपकी संधियाँ हैं उनमें अंतर जान चुके हैं। इस पर हम एक दो प्रश्न बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके संधि वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।